जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। वर्क इनर्जी पावर, ठीक है। आज से हम लोग वर्क इनर्जी पावर स्टार्ट कर रहे हैं 9th के लिए और NTSC के लिए, ठीक है। 9th वाला को पढ़ना है और NTSC वाला के लिए जरूरी है क्या? इस दोनों के लिए है मेरा वर्क इनर्जी पावर, ठीक। इसको कैसे जोड़ेगा पहले जोड़ के देखो, समझ के देखो क्या है वर्क। जैसे हम यहां खड़ा है, ठीक है, ये भी तो एक वर्क है नहीं क्या? कोई दौड़ के वहां से यहां आ रहा है, वो भी तो एक वर्क है। हम ताकत लगा करके इस बोर्ड को पीछे घिसका दें, ये भी तो एक वर्क है। अब फोर्स हम लगा रहे हैं, लेकिन फिर ही बैक नहीं जा रहा है। वर्क तो हम कर रहे हैं अपने हिसाब से नहीं? ये बेचारा, ये किताब है, ठीक है, ये किताब है, ठीक है। इसको हम अपने सर पर लेके रखे हुए हैं, ठीक है। इसको हम सर पर लेकर के रख दिए ना, खड़ा है। काम तो हम कर रहे हैं, समय तो मेरा जा रहा है, इनर्जी भी मेरा जा रहा है, लेकिन फिजिक्स कहता है नो वर्क डन। कोई कुली मान लीजिए 1 क्विंटल का भार लेकर के माथा पर लेकर के सीधा ऊपर जाता है, नो वर्क। फिजिक्स में क्या है, वर्क डन आपका तब माना जाएगा जबकि कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसी बुक को, ठीक है, हम सर पर लिए हुए हैं, ठीक है, और यहां से लेकर के मान लीजिए कुछ दूर जा रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस कवर किए ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, मतलब जगह चेंज हुआ ना, तब वर्क डन होगा, ठीक है। यानी एक तो फोर्स लगा रहे हैं, उसके बाद वो क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए। इसलिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी W इज इक्वल टू FS, समझ गए। और एक और चीज देखिए, जैसे क्या हम दिखाएं, मान लो ये प्लेन सतह है, ठीक है, थोड़ा इसे करो, ठीक है। इस पर से क्या करेगा, कोई एक बुक ले लो, और इस बुक को हम ले लिए, ठीक है। ये फ्रिक्शन वाला में भी देखा होगा, इसको हम खींचेंगे, वर्क डन हो रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एंगल बना देंगे, नहीं थोड़ा सा एंगल बना दिए तब खींच रहा है, वर्क डन हो रहा है दोनों में। अच्छा, फिर मान ली इतना पर खींचे, हो रहा है, फिर इतना पर ले लीजिए, ठीक है, और तब इसको ऊपर खींचे, ठीक है, ध्यान दो बात पर। अच्छा, इसको हमको इधर खींचना है, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे ले गए, ठीक है, और फिर हम ऐसे चला गया। ध्यान दो, यहां था ना, यहां था, ध्यान दो, लाना था हमको इधर अपना तरफ, लेकिन हम यहां ऐसे नहीं ला करके कहां लेके चले गए, उस साइड चले गए। इसीलिए कहा गया कि वर्क जो होगा वह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। क्यों, काहे? इसलिए कि आप जो पढ़े हैं कि दोनों के बीच में क्या है, एंगल है। दोनों के बीच में जैसे कहाँ गया जी मार्कर जी मेरा, सरफेस हुआ, ठीक है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट था जिसको हम इससे खींच रहे हैं, ठीक है, इस दोनों के बीच में एंगल बना बना। इसको हटा दें, अभी क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस नहीं, ये क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस।
यानी ये जो एंगल है वह किस पर डिपेंड करेगा, इस पर और इस पर डिपेंड करेगा नहीं, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया हाइपोटेनस, इसको मान लेते हैं थीटा, यानी क्या हो गया कॉस थीटा, क्या हो गया कॉस थीटा, ठीक। यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू, पहले तो आपका है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब एंगल भी जुड़ गया, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या कॉस थीटा, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। पहले हम इसी पर आते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस पर, ठीक है, पहले इसी को लेके चलते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या एफ एस, उसके बाद जाएंगे इस पर, ठीक। चल क्या पढ़ रहे हम लोग, वर्क एनर्जी पावर, वर्क, वर्क डन कब होगा, जब एनर्जी लगाएंगे ना, एनर्जी का मतलब क्या फोर्स लगाएंगे ना, फोर्स लगा के कुछ ना कुछ क्या होगा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो फिजिक्स कहता है नो वर्क डन, फिजिक्स में वर्क डन क्या है जीरो, क्यों वो एंगल से पता चल जाएगा, उसको हम करते हैं बाद में सेकेंड में, पहले फर्स्ट को ले लीजिए, फर्स्ट क्या है डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन, कितना कितना फोर्स लगा रहे हैं और कितना बस कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरा जगह पर जाता है, ये नहीं हुआ वर्क डन, ठीक। जैसे ये बोर्ड है, ठीक है बोर्ड है, इसमें हम फोर्स लगाए इस पर, ठीक है, अब फोर्स लगा के इसको हम यहां से खिसका दिए, यहां पर खिसका दिए, ये क्या हुआ वर्क डन हुआ, क्या हुआ वर्क डन हुआ, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, ये समझ गया, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मान क्या कितना दूर, जैसे मम्मी कहती है कोई सामान इधर से उधर करने के लिए, ठीक है मम्मी कहती है क्या लो सबसे सिंपल एग्जांपल, कुर्सी को ही बाहर से कुर्सी को अंदर करना है, ठीक है तो बाहर से अंदर किया ना कुर्सी, जगह चेंज हुआ ना, 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर डिस्प्लेस तो हुआ, और तुम फोर्स लगाया तो हुआ वर्क डन, और उसी कुर्सी को लेकर के माथा पर लेकर खड़ा रहेगा एक घंटा भी, फिजिक्स में नो वर्क डन, क्यों बताते हैं इसके बाद। अब यहां आ जाओ, फॉर्मूला तो हमको पता चल गया, डिफिनीशन पता चल गया, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स है, आपको यूनिट चाहिए नहीं डायमेंशन चाहिए, ठीक। अब पहले आ जाइए इसके यूनिट पर, यूनिट भी आपको दोनों यूनिट चाहिए, एसआई यूनिट भी चाहिए, सीजीएस यूनिट भी चाहिए, ठीक। एसआई यूनिट में आ रहे, पहले एसआई यूनिट इसका क्या होगा, तो फोर्स का एसआई यूनिट आपको पता है क्या, न्यूटन, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, ठीक न्यूटन, और एस का मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट, माने क्या मीटर, न्यूटन मीटर, क्या हो गया न्यूटन मीटर, लेकिन न्यूटन मीटर नहीं रहने दिया, क्योंकि न्यूटन हम लोग किसको माने थे, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन माना गया था, यानी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो क्या माने थे न्यूटन, इंटू क्या हो गया मीटर, नहीं हो गया, यानी 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा यूनिट हुआ किसका वर्क का। अब बताओ जब हमारे पास था फोर्स बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था ना, तब तो हम उसको 1 न्यूटन मान लिए क्या, ये तो और एक स्टेप आगे बढ़ गया,
1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको भी तो जरूर कुछ माना होगा। तो यह माना गया किनके नाम पर? जूल साहब के नाम पर। इसको क्या मान लिया गया? 1 जूल। क्या माना गया? 1 जूल। जूल साहब भी क्या थे? साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर माना गया 1 जूल। समझ गया? ये तो SI में समझ गया, CGS भी समझना होगा ना। SI सिस्टम हो गया, अब आ जाए CGS। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। चलो तो इसमें क्या हो गया? W=FS। ठीक, तो CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट हम लोग क्या पढ़े थे? डाइन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? डाइन। तो 1 डाइन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 1 डाइन किसको कहे थे? याद करो, 1 डाइन किसको कहे थे? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर था ना। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब देखो इनटू यहां का सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट वाला, अब क्या हो गई? 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया उसके लिए माने तो इसके लिए भी तो मानना होगा। तो इसको मान लिया गया एक और साइंटिस्ट से जिनका नाम था अर्ग। इसको बोलते हैं अर्ग। ये क्या है मेरे? जूल साहब के नाम पर। ये जूल और ये अर्ग, जैसे उसमें था ना न्यूटन और डाइन, नहीं था SI यूनिट न्यूटन और CGS यूनिट डाइन। तब हम लोग दोनों में रिलेशन निकाले थे कि 1 न्यूटन = 10^5 डाइन। तो सब चीज तो वैसे ही हो रहा है, तो इसमें भी तो रिलेशन निकालना होगा जूल साहब में और अर्ग साहब में। अब ममेरे भाई बहन हैं कि फुफेरे भाई हैं कि चचेरे हैं, वो रिलेशन नहीं निकालना है। यहां फिजिक्स में क्या रिलेशन है? जूल में और अर्ग में। ठीक है, तो 1 जूल किसको माने हुए हैं हम लोग? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और अर्ग किसको माने हुए हैं? 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस दोनों में क्या रिलेशन है जूल साहब और अर्ग साहब में? क्या? चलिए क्या है हमारा क्वेश्चन? रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। अब पॉइंट अगला हो गया मेरा रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। ठीक है, तो 1 जूल पहले लिख लो कि 1 जूल बराबर कितना हम लोग निकाले हैं? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और 1 अर्ग बराबर क्या लिखे हैं? 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इसी में रिलेशन बनाना है? 1 जूल = कितना अर्ग? 2 अर्ग 3 अर्ग 4 अर्ग 5 अर्ग 100 अर्ग 1000 अर्ग। कितना देखिए निकाल के। तो पहले हम ले लिए 1 जूल 1 kg meter square per second square। रिलेशन किसके साथ बनाना है? अर्ग के साथ। यानी इसमें बड़ा क्या है? जूल। इसको छोटा करना है, यानी किलोग्राम को क्या बनाना है? आपको ग्राम बनाना है। तो 1 kilogram = कितना? 10^3 ग्राम। नहीं हो गया, 1000 ग्राम हुआ ना, तो 10^3 ग्राम। अच्छा, इनटू मीटर स्क्वायर
को क्या बनाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या, मीटर इंटू मीटर। मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर, और वन मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, चाहे वही करिए तो लिख दो वन मीटर इंटू वन मीटर। अब पर सेकेंड स्क्वायर रहने देते हैं, क्योंकि पर सेकेंड स्क्वायर मेरे पास उसमें था ही अर्थ वाला में। अब आ जाए 10^3 ग्राम, अब वन मीटर बराबर कितना, 10^2 सेंटीमीटर इंटू कितना, 10^2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब आ जाए 10^3, 10^2, 10^2 यानी 10^7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं हो गया, यही आपका क्या है, ये न है आपका अर्घ, नहीं इसका मतलब 10^7 अर्घ। आगे रिलेशन क्या आया, 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्घ, जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइम होता था, उसी प्रकार से 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्घ। समझ गया, एक रिलेशन क्लियर यानी यूनिट क्लियर, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है हम लोगों का, डायमेंशन। अगला पॉइंट क्या है, इसका डायमेंशन निकालना है, ठीक है। अब आ जा डायमेंशन, डायमेंशन के लिए आपको क्या क्या करना था, MLT क्या करना है, MLT है ना, M का मतलब मास, L का लेंथ, और T का क्या, टाइम से मतलब था, ठीक है। जहां जो रहेगा उसका पावर लिखा जाएगा, डिग्री लिखा जाएगा, जो नहीं रहेगा उसका पावर 0 लिखा जाएगा, यही नहीं करते हम लोग। चल तो डायमेंशन के लिए क्या चाहिए हमको, पहले यूनिट, ठीक। तो W इज इक्वल टू क्या था आपका, FS, नहीं यानी इसको लिखते हैं हम लोग 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस, यानी 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं यानी केजी। केजी का मतलब क्या, मास, एम, इसको बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, एम एक ही ना, केजी, केजी स्क्वायर नहीं ना, सीधा क्या होगा, एम, एम स्क्वायर माने क्या, लेंथ का पावर 2, एल का पावर 2, अब बाय एस स्क्वायर यानी बाय टी स्क्वायर माने टी का पावर -2, यानी टी का पावर -2, यही आपका हो गया क्या, डायमेंशन। किसका डायमेंशन निकाले हैं आप, वर्क का। यूनिट निकल गया, डायमेंशन निकल गया, डिफिनेशन समझ गए, और दोनों यूनिट में क्या समझ गए, रिलेशन समझ गए। टाइम कितना हो गया, अब है अभी 2-3 मिनट। अब हम लोग कहते हैं कि वर्क कितने टाइप का, ठीक है, बोले हैं ना कि वर्क कितने टाइप का, 3 टाइप का, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क, ठीक। पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, निगेटिव वर्क। इधर मान लो कि पॉजिटिव वर्क हो गया, ये हो गया आपका कितना, 0 वर्क, ये आपका कितना हो गया, निगेटिव वर्क। क्यों ऐसा, क्यों उसके पीछे एक रीजन है। आप जो पढ़े हैं W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू cos थीटा पढ़े हैं ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक का तो काम आप कर चुके। एक नया चीज जुड़ गया आपका, cos थीटा, यानी क्या, थीटा पर डिपेंड करेगा। तो cos का जो वैल्यू होता है, cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री, और cos यहां ले लेते हैं हम लोग क्या, 180, ठीक है। इसके लिए आपको cos पर जाना होगा, cos के वैल्यू पर जाना होगा, ठीक है। तो cos का वैल्यू के लिए फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री में जाना होगा। देख लिया ना मेरा सिलेबस कैसा है, कैसा सिलेबस हम लोगों को पता चल गया ना,
नाइन्थ में हमको वर्क एनर्जी पावर पढ़ना है, पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ है? क्लास टेन में। किस देश में हम लोग रह रहे हैं, समझ गए ना बात? मेरा भारत महान, 100 में 99.99 बेईमान, इसलिए मेरा भारत महान। अब देखो सिंपल एक एग्जांपल बता रहे, इतना हम आगे लेके चलेंगे, यहां से यहां तक पॉजिटिव हो जाएगा, ये जीरो वर्क हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, आगे फिर निगेटिव। आज 30 साल 32 साल या 36 साल के बाद हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है, और प्रधानमंत्री कहते हैं यह सिलेबस अब सही हुआ, ठीक। इसका मतलब ये जो 36 साल में हम लोग पढ़े गलत सिलेबस पढ़े नहीं, अब सिलेबस सही होगा, अब का बच्चा सही शिक्षा लेगा, हम लोग गलत शिक्षा लिए, सही में गलत शिक्षा लिए, जो अपना संस्कृति से हम लोगों को क्या करता चला गया, बहुत दूर कर दिया। अब अपने पुराने संस्कृति पर, पुराने ढर्रा पर लाने में फिर इस देश को कम से कम 50 साल लगेगा, समझ गया ना बात? क्योंकि हम लोग गलत शिक्षा लिए 36 साल में, अब जो सही शिक्षा कल से शुरू करेगा, अगला साल से नया सिलेबस शुरू होगा, वो बच्चा कम से कम 15 से 20 साल पढ़ेगा तब ना फिर चेंज करेगा, देश कितना पीछे हो गया, नेता लोग कितना आगे हो गए, छोड़ो गलत बात, उसका अपना काम है, गलत करके आगे बढ़ना उस सबका काम रहता है, वो अपना बढ़ रहा है, ठीक है। इसके लिए हमको जा रहा था इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, एक बार रिफ्लेक्शन में भी बताए थे, रिफ्रैक्शन में क्लास 8 में रिफ्रैक्शन है, साइन आई बाय साइन आर कॉन्स्टेंट होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है क्लास 10 में, महान सिलेबस, समझ गए? इस प्रकार बहुत चीज मिलेगा तुमको, बहुत चीज मिलेगा, ठीक है। एजुकेशन का मतलब क्या, हर साल चेंज होने वाला, यहां 30 साल पहले से चला रहा है कहानी, वही कहानी चलता रहे, इसलिए देश की स्थिति है, एक छोटा सा बीमारी नहीं ठीक हो रहा। चलो यहीं पर खत्म किया जाए, फिर आगे करेंगे हम लोग। जय मां बंगला मुखी।